हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गरल गांव के कुएं से मिला बुजुर्ग का शव। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित गरल गांव में एक 65 साल का बुजुर्ग कीर्ताराम सोमवार सवेरे से ही लापता था, जिसकी काफी तलाश की गई, जिस पर गांव के एक कुएं के पास बुजुर्ग के कपड़े और जूते मिले, जिसे अंदाजा लगाया गया कि बुजुर्ग कुएं में गिर गया होगा, जिसके बाद सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग की तलाश के लिए सिविल डिफेंस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कुएं में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सोमवार देर रात बुजुर्ग के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में शव को रखवाया गया। मंगलवार सवेरे बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सोमवार को सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 65 साल का बुजुर्ग कीर्ताराम घर से लापता है, लेकिन उसके जूते और कपड़े गांव के कुएं के पास मिले हैं। इसकी सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस की ओर से उसकी तलाश की गई। कि मेरे पिता कीर्ताराम का पिछले 2-3 माह से दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो इसने कल 27 तारीख को सुबह 6:30 बजे अपने घर के पास ही बने सरकारी ट्यूबवेल में, ओपन वेल में जो बोरवेल है, उसमें कूद करके आत्महत्या कर ली। इसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं होने से उन्होंने बताया कि आत्महत्या कर ली। पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके कल शाम 6-7 बजे इसको बाहर निकाली गई लाश को, ला करके मोर्चे रूम रखा और यहाँ आवश्यक कार्रवाई करके परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।